अगर आप सेवई का खीर खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना, सलीनगर रसोई में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूं सेवई का खीर, और ये बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट टाइप की रेसिपी है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल अलग तरीके से सेवई का खीर बनाने वाली हूँ। हम खीर बनाना शुरू करें इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सेवई की खीर की रेसिपी। सेवई का खीर बनाने के लिए ये हमने 1 लीटर दूध लिया है और इसको हम उबलने देंगे, और जब तक ये उबलता है तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो जब तक दूध उबल रहा है हम सेवई को भून लेते हैं। तो सेवई भूनने के लिए ये हमने कढ़ाई गर्म कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे घी। तो घी जो है गर्म हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे सेवई। ये आधा कप सेवई है और ये मोटा वाला सेवई है, तो इसको हम भून लेंगे। तो सेवई को लो फ्लेम पे इसको एकदम ब्राउन भूनना है। तो ये देखिए सेवई का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसको थोड़ा और भूनेंगे। तो ये देखिए सेवई जो है भुना गया है अच्छे से, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो दूध को बीच बीच में चलाते हुए उबालना है, नहीं तो दूध जो है नीचे से जल जाएगा। और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो ये देखिए दूध में उबाल आ गया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप सूखा हुआ नारियल जो घिसा हुआ है, तो इसको इसमें डाल देंगे हम और इसे मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ सेवई और इसे मिक्स करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है अच्छे से। तो ये देखिए सेवई जो है लगभग लगभग पक गया है, लेकिन अभी इसमें हम डालेंगे 1/4 कप चीनी, कूटी हुई इलायची और इसे मिक्स करेंगे, और इसे मिक्स करके 2 मिनट पकने देंगे। और चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। तो 2 मिनट हो गया है और सेवई जो है अच्छे से पक गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। बंद करके इसको हम ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इसमें हम एक चीज़ और मिक्स करेंगे। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम दिखाते हैं कि इसमें हम क्या डालेंगे। खीर को हमने फ्रिज में डाल दिया था 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। तो ये एकदम ठंडा हो गया है और काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे 3 केला कटा हुआ, तो इसको इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और इसको भी मिक्स कर देंगे। तो हमारा सेवई का खीर जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। तो इसे आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए और मजा लीजिए इस सेवई के खीर का। तो एक बार इस तरह से सेवई का खीर बनाकर आप जरूर खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।